राम राम सीताराम सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय सियाराम। पापा है यहाँ पे, ओम अभी कर रहा है ब्रश। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। और वहाँ पे हमारा मूंगफली का जो बाकी का काम है वो स्टार्ट हो चुका है उस साइड में। तो यहाँ पे है सूरज भाई साहब, जिसको भी दूध पिलाने का टाइम हो चुका है। तो ये प्रोसेस अभी स्टार्ट कर। आज इतना खाया नहीं है ना इवनिंग का, आधा ही खाया है। तो अभी धीरे धीरे होके खाएगी। और मीरा का बेबी जो आभा था वो सब कुछ किया, वो क्या करते थे सुबह 7 बजे, वो बोलते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, माँ माँ ऐसे कि अभी हमें दूध पिलाओ। लेकिन ये अभी 8:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी आराम से बैठा हुआ, बहुत शांत नेचर का है अभी तो ऐसा लग रहा है। अभी आगे जाके फिर पता चलेगा। अभी दूध पिलाते इसको पहले। यहाँ पे तीनों है, दूसरी दोस्त हमारी कहाँ गई आभा, आभा इसके पीछे वहाँ पे। सूरज हाय, दूध पियो ना सूरज। कल 1.5 आंचल खत्म कर लिया था, तो आज भी अभी इसको थोड़ा सा फोर्स करके पिलाना पड़ता है, लेकिन फिर वो पी लेता है। सूरज की दूध पीने की टेक्निक में रोज सुधार आ रहा है, टाइम टू टाइम, मॉर्निंग से इवनिंग में ज्यादा सुधार। कल शाम को पी लिया था, अभी जल्दी जल्दी दूध ढूंढ रहा है ये। लेकिन शांत बहुत है, बहुत शांत। अभी फिर भी पता चलेगा 10 दिन के बाद शांत है क्या है, क्योंकि फिर जैसे जैसे अभी 3-4 दिन बाद इसको थोड़ा सा इसकी मम्मी से सेपरेट रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना क्या होता है कि पूरी रात ये दूध पीने के लिए कोशिश करता रहता है, और गाय को कंटिन्यू ऐसे दूध मतलब आता रहेगा तो फिर उसका टाइमिंग सेट नहीं होगा। अभी इसमें क्या होता है कि इसका टाइमिंग सेट करना पड़ता है कि सुबह शाम या तो आफ्टरनून जो भी टाइम है, कि वरना एक एक दो दो घंटे में ये दूध पीने जाएगा तो फिर दूध इतना पी नहीं पाता और गाय पूरा दूध छोड़ देती है, तो फिर गाय बीमार होती है। अभी अकेला पी रहा है। अभी धीरे धीरे सीख रहा है, ये काचल थोड़ा सा इसके लिए इजी हो रहा है। अभी पूरे एक के बाद एक सब ले रहा है, छूट गया तो नहीं ले पाएगा, हाथ छूट गया। अभी रुक। मुंह खोलो। नहीं गया अभी, अच्छे से। अभी ये सपोर्ट सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही है, और एंटेना इसका पूरा ऊपर जाता है। हाँ, इसका सेपरेट एंटेना है, अलग तरीके से चलता है, कर देता है पूछ पूरी। अभी जाएगा। न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं गाय या भैंस के, तो हम लोग क्या करते हैं कि चारों टीथ उसको देते रहते हैं मुंह में, ताकि जो पहले का मिल्क जो होता है आंचल में वो इसके लिए बेस्ट होता है। बाद में क्या होता है, मिल्क थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो शायद वो जब नया नया होता है तब वो पचा नहीं पाता, तो फर्स्ट वाला सारे चारों टीथ से सारा पिलाते। फिर तो जब जैसे 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया, तो उसके बाद तो कोई भी मिल्क उसकी माँ का, उसको आगे का हो पीछे का हो, लेकिन दूध निकालने के बाद बछड़ा या बछड़ी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी गाय अगर दूध छोड़ेगी तो दूध बहुत गाढ़ा आता है, और गाय का भी पूरा दूध गाय खत्म करती है, तो उससे बीमारी आती है गाय में, मतलब वीकनेस आती है। ये टीलू भी इतनी शांत है ना कि देखो, और ये खाना भी बाद में खाने की यूज टू है, ये दूध निकालने के टाइम खाना नहीं खाती, अगर सामने भी रखेंगे नहीं खाएगी, तो इसको पहले से वो आदत है। और मीरा को ये कि सेम टाइम खाना होता है, चाहिए होता है, उसको हम देते भी हैं, लेकिन इसको बाद में रख देते हैं यहाँ पे, फिर वो खा लेती है। 20 दिन में ये रिकवर हो जाएगी, फिर उसका जो एक्चुअल वाला दूध कैपेसिटी है वो भी आ जाएगा, उसका बॉडी भी रिकवर हो जाएगा। वैसे इसको कोई इस बार इतना वो नहीं हुआ प्रॉब्लम, लास्ट ईयर जब हम लाए थे तो थोड़ी वीक थी ज़्यादा, इस बार इतनी वीक नहीं है। और नया नया खाना भी अब तो टीलू के लिए रेडी है, कैरेट्स बीट्स वगैरह भी। चलो सूरज,
सूरज को सूरज की रोशनी देते हैं, है ना? सूरज को सूरज की रोशनी दे दो, सूरज को सूरज की रोशनी। अभी दूध पिया है, अभी चलो आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो, चलो चलो, ताकत आ गई है इसमें बहुत। यहाँ पे पहुंच रहा है, ये देख कैसे रहा है, खाना है क्या सीधा? वो सब कुछ स्मेल कर रहा है। यहाँ पे पहुंच रहा, थोड़ा सा आगे चलो, तुमको फॉलो करता है या नहीं? यहाँ पे पहुंच रहा है। ओके, आगे चलो, तुमको फॉलो करता है या नहीं? थोड़ा फील करेगा एक दो दिन, फिर पता चलेगा उसको चलना कैसे, दौड़ना कैसे। ओह वेल डन, ऐसे इसको अच्छा लगता है, देखो। अभी ओम को पता है कि ये बच्चों को क्या अच्छा लगता है ना, क्योंकि आबा और राधा के साथ इसको एक्सपीरियंस हो गया ओम को। सूरज आ जाओ, आ जाओ, चलो सूरज। उसको पता है कि मम्मी वहाँ पे, इसीलिए बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा नहीं कहूँगा, उसे पहले वो सो जाएगा। ऐसे ही बहुत जाजी कौन चूजे, आ जाओ। इतना स्ट्रॉन्ग है वो। दूध निकाल लिया हमने, अराउंड 5-5.5 liter होगा, पता नहीं अभी एग्जैक्टली, लेकिन हमने हाफ से ज्यादा सूरज को पिला दिया है। हाँ, वो ज्यादा पी, अराउंड 3 liter के जितने वो पी गए। हाँ, क्योंकि इसका अभी पी रहा है और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना टमी में एग्जस्ट जाता है, लेकिन वो 3 आंचल में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। और ये एक क्रीम है जो हम आंचल में दूध निकालने के बाद आंचल को थोड़ा सा गर्म पानी से वॉश करके ये लगाते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही विंटर टाइम में मॉइस्चराइज करता है और कुछ किसी भी टाइप के आंचल में प्रॉब्लम नहीं होती ये लगाने से, क्योंकि विंटर में स्किन थोड़ी सी क्रैक होती है वो होता है, और ब्याद के टाइम फिर ड्राई भी होते हैं ना उसके टीथ, तो उसमें ये लगाने, ये स्किन के लिए अच्छा है, क्रैक्स को ये नहीं होने, ये बहुत ही अच्छा स्लीपरी वो ऑयली एक मॉइस्चराइजर है, तो वो हम लगाते हैं, वैसे कुछ होता ही नहीं है इससे। चलो नीचे उतरो, मटर मटर पोटैटो की सब्जी बन रही है पटाना यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जो आज का दूध है वो गरम किया, अभी जो नया नया होता है दूध 4-5 दिन के लिए बस थोड़ा सा ही गरम करना होता है। यहाँ पे बनी है हमारी घर की छाछ, इसका मक्खन, तो ये मक्खन है जो हम नॉर्मली जो गाय का दूध लेके आते थे उसमें से बना हुआ, जो भी करके ये यूज़ होता है वो पी किया है। ये दही है, ये दही बहुत ही येलो दिखता है जब नया नया होता है, तो दूध अभी थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा तो पूरा येलो हो जाता है, तो इसको मैंने जमा दिया था खल, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा छाछ डालनी पड़ती है, तो इसका भी अभी हम बनाएंगे छाछ। और जो पहला मक्खन निकलता है उसमें से घी बना के हम हमारे गाँव में जो है मंदिर वहाँ पे या हमारे यहाँ मंदिर में दिया के ये यूज़ करते और बाद में खाने के लिए। हाफ मूंगफली जो बाकी थी उसका काम अभी स्टार्ट करने वाले है। यहाँ पे चाचा है, और चाचा को कुछ भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे ये हेल्पर है ओम। अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है? और यहाँ पे है चाचा, दूसरे चाचा, क्या होता है? तब तक मैं थोड़ा सा पाव को कर लेता हूँ। हाँ कर लो। एक मेरी फेवरेट चीज, सबको अच्छी लगती है, लेकिन पापा ने वो रेडी कर दिया है, सेड़ी। सेड़ी और जब ऐसे रेडी मिलती है ना तो खाने में बहुत मजा आता है, मीन्स कि कुछ काम करते करते भी चलते चलते फिरते खा सकते हैं एक एक पीस लेके, तो जब पापा फ्री होते तो कर देते। और इसको सूड़ी बोलते, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसमें अलग अलग टाइप की आती है, नहीं देखा ऐसी होती है सूड़ी, इसमें धार होता है, ये सीधा इधर लगता है तो इधर काट लेता है। हाँ, तो ये इसकी अच्छे से टेक्निक इसकी होती है, काट दिया। तो ऐसे पूरे पीसेस बन जाते हैं। मीठी वो है वो पड़ी रही इतनी मीठी थी अजी वो कहीं नहीं इतनी मीठी थी
आहा तो बहु कान हो जा मीठो लगे हम फोटो पाणे मीठो जरी हम कान दे तो अभी ये काम फिर से स्टार्ट हो गया है हमारा। यहाँ पे है पानी और ये इसका पूरा लॉजिक होता है कि अब मुझे एग्जैक्टली पता है, आपको पता, लेकिन इससे आई थिंक पानी ये ठंडा हो जाए इसके लिए ऐसा कुछ। और ये पानी वापस यहाँ से होकर वहाँ पे जाता है। काम करने के लिए रुको रुको, अब आगे से ऐसे करना होता है, आगे से दोनों हाथ से, ओए सुनो ऐसे नहीं, आगे से दोनों हाथ से, हाँ दो हाथ से भी कर सकते हो। वो ये आइडिया किसी ने नहीं सोचा था। तो ये छाछ हो गई है रेडी और जो मक्खन निकला है पहला बहुत ही ज्यादा पीला होता है, बहुत येलो दिख रहा है आप देख सकते हो, लेकिन ये धीरे धीरे दो तीन दिन में इसका कलर थोड़ा सा लाइटर हो जाता है इससे। तो अभी यहाँ पे मामा आए हुए थोड़ा है। आज थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो गया, अभी क्या ठंड भी नहीं है इतनी, लेकिन अब हमें इसकी आदत हो गई है। ताप चलता है तो ठंड मजी का होता है। आज अभी दो दिन से कम है वैसे थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे हमारा तो आना सर्विस चालू छे। पपैया जो है वो पका हुआ है, पपीता ये यहाँ से थोड़े से अभी रामदेव गए आज क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो आ जाए तो उसके बाद अभी सूरज का सारा काम स्टार्ट होगा। अभी उसको दूध भी पिलाना पड़ेगा और ओम अभी खा रहा है खिचड़ी और पापा ने बोला है कि पपीता लेके आओ तो कट करते हैं, तो अभी मैं लेके जाती हूँ। ओम तुम खिचड़ी जल्दी खत्म करो ठीक है, हम लोग खिचड़ी जल्दी खत्म करो ठीक है। गुड बॉय। बाहू को भी आज नहला दिया था तो आई थिंक अभी सो गया है, यहाँ पे नींद आ रही है बाहू, हाँ सो जाओ कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा फ्रूट बॉक्स है जिसमें से शायद ये पका हुआ है, ये कच्चा, ये बड़ा वाला लेके जाती हूँ मैं। यहाँ पे है मम्मी, यहाँ पे है पपीता, यहाँ पे है चाकू, अभी मिलेगा सबको पपीता पोपिया। तो पसंद भी है ना, कौन सी कूड़ा मलक ना पड़े रहती हो आप, थोड़ा पसंद थार मल लेता तो ये थोड़ा रख। इधर देखो दूधू पीना है ना अब, यस दूधू टाइम, यस दूधू टाइम, दूधू टाइम। अभी दो दिन के बाद देखना इस यहाँ से खोलेंगे सीधा दौड़ के जाएगा, अभी इसको अच्छे से दूध पीना भी आ गया। सीवलू आ रही है, आज थोड़ा सा लेट हो गया तो अभी जल्दी जल्दी चेंज कर देंगे।
अंदर फिर हम तो शॉर्टकट जाना है उसको। पीछे से पुश कर रही हो तो भी नहीं जा रहा है, आगे से भी नहीं जा रहा है। अभी एक दिन में पता चल जाएगा कि यहाँ से जाते हैं, शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए लाइफ में, ठीक है? ये अच्छा वाला रास्ता ले लो। अभी अकेला जाएगा शायद, यहाँ से भी देख लेना। आ जाओ मम्मी के पास, हाय हेलो करो पहले, जाओ जाओ मिल लो। मुझे बोल रही कि तुम दूर रहो। इसको देखो ना पहले, दूध पीना है ना? यस, अभी भूख लगी। एंटीना देखो अभी। बिच्छू की तरह कर देता है अपनी, बिच्छू की स्टिंग होती है ना जो। तू है कि वो असर नगर साथ कर दिया मुंह पर सर नबड़ों में। आपको पता चल रहा होगा अभी पूछ ऊपर ये, इसका मतलब दूध जा रहा है ना। ये यहाँ हाथ रख के फील कर सकते दूध, और इसकी कमी भी भर के भर जाएगी इस साइड की। अभी भर गई, बॉल जैसा हो गया ये, गोल गोल। और अभी मैच का बताओ कुछ फीडबैक। मैच हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा आज, जीते हम दो मैच और सेमीफाइनल में पहुंचे, वापस खेलेंगे सेमीफाइनल, फिर उसके बाद अगर जीते तो फाइनल, फिर जीते तो फाइनलिस्ट हो जाएंगे। अब ये तीसरा चलो मैं ट्राई कर रहा है, एक तो वो खत्म कर जाता है, बाकी फिर धीरे धीरे करके सब लेता है। बस टिलू इसका पीना है अभी, अभी वो ढूंढ रहा है, मैं हेल्प करूं।